तय मानिए कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब से सत्ता संभाली पिछले 8 वर्षों में इस देश बुनियादी समस्याओं को तरसता था। कांग्रेस को अवसर मिला 55 वर्षों का और भारतीय जनता पार्टी के शासन का उल्लेख करें वाजपेयी जी से लेकर मोदी जी तक तो मात्र 14 वर्ष मिले। 55 वर्ष बनाम 14 वर्ष का उल्लेख करेंगे तो इस देश में माताएं बहनें सुरक्षा सम्मान और स्वास्थ्य के लिए चुनौती थी उनको, लेकिन देश में 10 करोड़ से भी ज़्यादा शौचालय बनाकर उन माताओं बहनों को सम्मान देने का काम मोदी जी ने किया। देश में 45 करोड़ जनधन के खातों से किसी महिला विधवा महिला का दिव्यांग का आम आदमी का गरीब व्यक्ति का नरेगा के मजदूर का जीवन बदला। इस देश में 3 करोड़ लोगों के सर पे छत नहीं थी। इंदिरा आवास के नाम पर जिस तरीके की लूट होती थी आज धरातल पर वही 1.5 लाख से भी ज़्यादा कीमत के मकान आवास इन लोगों को मिले हैं। राजस्थान में भी ऐसे 13 लाख लोगों को आवास मिले हैं। गैस आम आदमी के लिए दुर्लभ थी, शहरी लोगों का अभिजात लोगों का एक उपक्रम था, लेकिन गांव के लोगों को गांव की माताओं बहनों को धुएं से मुक्ति देने का काम 10 करोड़ से भी ज़्यादा उज्ज्वला के कनेक्शंस के जरिए, खासतौर पर राजस्थान में 63 लाख ऐसे उज्ज्वला के कनेक्शन हुए जिससे जीवन बदला। देश के 75 लाख शहीद कुंभकर्ण सिंह जो दोगावास के तारानगर तहसील चुरू जिले के निवासी थे, जो राजपूताना राइफल्स में कार्यरत थे उत्तर प्रदेश के किसी क्षेत्र में, उनका अचानक आकस्मिक निधन हुआ। सेना ये भारत की ताकत है और ख़ास तौर पर शेखावाटी के वीर सपूतों ने अपने परिश्रम से और शौर्य और बलिदान से सेना को सींचा है और यही कारण है कि देश की लोकतंत्र की अक्षुण्णता, आंतरिक सुरक्षा और किसी भी बाहरी चुनौती का सामना भारत के वीर जवानों ने किया है वो हमारी ताकत है। ये खूबसूरती है शेखावाटी की और ख़ासतौर पर राजस्थान की धरती की। मैं उनको शोक संवेदना के लिए आया था, उनके परिजनों से मिला हूँ। सर योजनाएं आती है प्रधानमंत्री जी द्वारा, जो भी योजना आती है उसका विरोध हो रहा है। अब अग्नि पताइए इसमें भी काफ़ी विरोध हो रहा है, काफ़ी तोड़फोड़ हो रही है, क्या कहेंगे किस तरह से? मुझे लगता है कि जो नौजवान है वो बड़ा निर्दोष होता है, भोला होता है, उसको गुमराह करने के लिए यहाँ इस प्रदेश में देश में बहुत सारी ऐसी ताकतें हैं जिन्होंने अनेक अवसरों पर इस देश के नौजवानों को गुमराह करने की कोशिश की है। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि इस योजना की हकीकत और सच्चाई को लोग समझेंगे और सही रास्ते पर आएंगे। देश के कल्याण के और देश की सुरक्षा के जो काम किए, सम्मान के जो काम किए, उसको सबको समझना चाहिए। किसी अफवाह की, भ्रम की या किसी तरीके की अराजकता की हिंसा की आवश्यकता नहीं है। इसी के मद्देनज़र भारत की सरकार ने सेना में, क्योंकि कोरोना के कारण कुछ लोग एज बार हुए थे, उनको आयु में भी 3 वर्ष की छूट दी है, यानी वो कम्पीट कर सकेंगे। तो उनके लिए अवसर ज़्यादा हैं, एक अच्छा अवसर है इस अवसर को, क्योंकि हम जब देश की बात करते हैं, देशभक्ति की बात करते हैं, देश से जुड़ने की बात करते हैं, तो देश की व्यवस्था के साथ चलना ये हमारा फर्ज होता है। तो मुझे लगता है कि नौजवानों को गुमराह होने की आवश्यकता नहीं, उनके हित की ये योजना है जो निश्चित रूप से नौजवान को भी ताकत देगी, भारत की सेना को भी ताकत देगी। प्रमुख जी, प्रमुख जी आगे आगे ठीक थे। राजू भाव आगे बजरंग भाजी, बजरंग भाजी सवाल सवाल हाँ।
क्या जो एक सागे चारों आओ और तो चारों आ जो कलब 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 सुनील भाई जी फैल जाओ यहाँ। हाँ सर लड़ाई दोनों ये देख रहे हैं।